दोस्तों आप अगर अपने पैन कार्ड में अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम या फिर अपना फोटो और सिग्नेचर अपडेट करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, तो दोस्तों इस वीडियो में बने रहें क्योंकि वीडियो में एंड तक आपको बताने वाला हूं किस तरीके से आपको अपना फोटो, सिग्नेचर, फादर नेम या डेट ऑफ बर्थ अपडेट करनी है। साथ ही दोस्तों आपको बताने वाला हूं जो भी अपना इनकम टैक्स की तरफ से इंस्टेंट पैन अप्लाई करके रखते हैं, जो कि दोस्तों आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, दोस्तों इस पैन कार्ड में सिर्फ हमारा नाम, हमारी डेट ऑफ बर्थ, हमारा फोटो होता है और साथ ही पैन कार्ड नंबर होता है, क्योंकि दोस्तों इसको बोलते हैं इंस्टेंट पैन। इंस्टेंट पैन कार्ड नंबर हमें दे दिया जाता है 10 मिनट में इनकम टैक्स की डायरेक्ट पोर्टल से हम अगर अप्लाई करते हैं तो। लेकिन दोस्तों इस जो हमारा पैन कार्ड है, इस पैन कार्ड में हमारा सिग्नेचर और हमारा फादर नेम नहीं होता है। तो दोस्तों आपको इसको अपडेट करके किस तरीके से दूसरा पैन कार्ड बनाना है, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, सारे प्रोसेस बताऊंगा, आपको बिल्कुल आसानी से समझाने की कोशिश करूंगा, समझ में आ भी जाएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करें मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ, प्रोसेस को स्किप मत करना क्योंकि आप दोस्तों सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन में क्रोम ब्राउजर या लैपटॉप में करें तो क्रोम ब्राउजर को खोलकर गूगल में सर्च करना है NSDL पैन कार्ड। NSDL पैन कार्ड जैसे ही आप सर्च करोगे तो एक वेबसाइट खुलेगी, उस वेबसाइट में आपको दिख रहा है ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन NSDL। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको दिख रहा होगा अप्लाई ऑनलाइन पैन कार्ड। उसके बाद दोस्तों आप नीचे आओगे तो यहाँ पर दिख रहा होगा एप्लीकेशन टाइप, तो सिंपली आपको करना है करेक्शन, थर्ड वाला जो ऑप्शन है ना, करेक्शन वाला हमें सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों इंडिविजुअल हमें कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। उसके बाद थोड़ा नीचे आएंगे तो इधर दिख रहा है आपको टाइटल, अपने नाम का जो भी लगाते हो, श्री, श्रीमती या कुमारी, तो दोस्तों हमारे केस में श्रीमती है तो सिंपली क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों जो भी आपका नाम रहेगा आप अपना सरनेम यहाँ पर डालना होगा। दोस्तों कुछ केस में ऐसा होता है कि किसी का सरनेम नहीं होता, नहीं लास्ट में कुछ नहीं लगाते, सिंगल नेम होता है, तो अपना सिंगल नेम ही डाल देना है क्योंकि जहां पर स्टार बना हुआ रेड वाला ये मैंडेटरी है। बाकी चीजें दोस्तों जो आपको दिख रहा है, जहां पर डेट ऑफ बर्थ मांगा जा रहा है कैलेंडर में डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट के लिए ईमेल आईडी जरूर डाल दें क्योंकि ईमेल आईडी पे ही आपका पैन कार्ड पहले सेंड करा जाएगा। उसके बाद मोबाइल नंबर, फिर आप देखिए आप इंडियन सिटीजन हो या नहीं, इसको यस करेंगे, टिक करेंगे। साथ ही दोस्तों नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा कैप्चा फिल करने के लिए, दोस्तों कैप्चा समझ नहीं आता, रिफ्रेश कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों देखिए जो हमारी एक टेम्प्रेरी टोकन नंबर जनरेट होगा, उस टोकन नंबर को आपको कॉपी करके रख लेना क्योंकि दोस्तों अगर एप्लीकेशन बीच में छूट जाती है तो उस टोकन नंबर की सहायता से आप वहीं से एप्लीकेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों इसमें दिख रहा हो आपको जो पहले वाला ऑप्शन है डिजिटली ई केवाईसी पेपरलेस वाली, ही हमें सेलेक्ट करनी है क्योंकि दोस्तों ई केवाईसी के थ्रू ही आप कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देखिए जो आपका एप्लीकेशन फ़ीस चार्जेस रहेंगे, आप एप्लीकेशन फ़ीस पे लाएंगे तो सिंपली सारे चार्जेस दिख जाएंगे, जो जो चार्ज जहाँ जहाँ पे लग रहे हैं जिस काम के, ठीक है। अब दोस्तों हम थोड़ा सा नीचे आएंगे इस चीज़ को देखने के बाद। अब देखिए जो भी आपकी डिटेल मांगी जा रही है, आपको जो आपका पैन कार्ड नंबर है वो ऑलरेडी आ गया है। साथ ही दोस्तों जो आपका आधार कार्ड के लास्ट के 4 डिजिट है वहाँ पर डालने के बाद यहाँ पर आपको ये ऑप्शन ये बोल रहा है दोस्तों कि जो भी आपका आधार कार्ड है उससे फैच करके आपकी डिटेल ली जाएंगी, इसको यस करेंगे। अगर आप इसको नो करते हैं तो आपके आगे ये पॉपअप आ जाएगा जिसमें बता आया गया है कि ई केवाईसी के थ्रू कर रहे हैं तो इसको यस ही कर दीजिए। तो दोस्तों इसको यस करेंगे, यस करने के बाद थोड़ा नीचे आएंगे तो जो भी डिटेल दोस्तों यहाँ पे भरनी होती है ना, आपको कुछ नहीं भरने की जरूरत है क्योंकि ये ई केवाईसी के थ्रू हम कर रहे हैं, यानी जो भी आपके आधार कार्ड में डिटेल है ऑटोमेटिकली फैच कर ली जाएंगी, ऑटोमेटिकली अपने आप ये ऑटो फिल हो जाएंगी, आपको कुछ भी इसमें फिल करने की जरूरत नहीं रहेगी, ठीक है। दोस्तों इस पर आप टिक कर लेंगे, साथ ही जेंडर भी सेलेक्ट कर लेंगे, जो चीज़ आपको लग रहा है कि टिक नहीं है, हमारी वरी हुई नहीं है, उस चीज़ को भर लेंगे। साथ ही दोस्तों यहाँ पर देखिए फोटो नेचर मिसमैच जो भी प्रॉब्लम यहाँ पे दिख रहा है इसको टिक करेंगे, तीनों बॉक्स को मेरे केस में टिक कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तीनों को टिक करने के बाद आपको कुछ भी इसमें भरने की टाइप करने की जरूरत नहीं है, टाइप करोगे तो करा ही नहीं जाएगा क्योंकि ई केवाईसी के थ्रू हम कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए उसके बाद आपको लास्ट में यहाँ पे दिखेगा आपका फादर नेम आपको फिल करना होगा, मदर नेम ऑप्शनल यहाँ पे बताया गया है कि ऑप्शन है, आप भर भी सकते हैं छोड़ भी सकते हैं, तो मैं केस में छोड़ देते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप पैन कार्ड पे किसका नाम प्रिंट चाहते हैं, फादर या मदर, तो सिंपली हमारे केस में फादर पे फादर का चाहते हैं तो हम फादर पे ही क्लिक कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद देखिए प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस, प्रूफ ऑफ बर्थ में ऑटोमेटिकली आधार कार्ड सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पर आपको पैन कार्ड की कॉपी सेलेक्ट करनी है कि हम पैन कार्ड की कॉपी लगाएंगे, लेकिन दोस्तों सेलेक्ट ही करनी है, आगे जैसे कह रहा हूँ वैसे करते जाइए, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद दोस्तों डिक्लेरेशन में यहाँ पे हिम सेल्फ आपको सेलेक्ट करना है तो ऑटोमेटिकली आपका नाम आ जाएगा, जो भी आपका नाम है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर आप कितने डॉक्यूमेंट दे रहे हो प्रूफ के तौर पे, तो यहाँ पे नंबर लिखने होते हैं तो हम एक दे रहे हैं, जैसे कि दोस्तों ऊपर हमने पैन कार्ड सेलेक्ट किया था तो एक ही पैन कार्ड है, यानी एक ही प्रूफ है, तो हम पैन कार्ड पर करने के बाद और प्लेस में अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम डाल के नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बोला जा रहा है कि अपनी जो एप्लीकेशन है उसको कन्फर्म कर लीजिए, ये सबमिट वाला वो यहाँ पर ऑप्शन आएगा अब जो फुल एंड फाइनल सबमिट होगी एप्लीकेशन। अब दोस्तों यहाँ पर आपको
सारी डिटेल सेलेक्ट कर लेनी है। साथ ही यहाँ पर हमारा जो आधार कार्ड के शुरू के 4 अंक यहाँ पर मांगे जा रहे हैं, तो यहाँ पर नहीं सॉरी 8 अंक मांगे जा रहे हैं, तो 8 के 8 नंबर यहाँ पर फिल करने होंगे। साथ ही दोस्तों अपनी डिटेल जो भी आपकी डिटेल है ना, सारी डिटेल आपको केयरफुली सेलेक्ट मतलब चेक कर लेनी है कि सब कुछ ठीक ठाक है, नहीं कुछ गलत है तो आप एडिट करने का ऑप्शन भी आता है लास्ट में, ठीक है। तो चलिए मैं सारी डिटेल चेक कर लेता हूँ। चेक करने के बाद देखिए प्रोसीड यहाँ पे करते हैं आगे। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद जो पेमेंट करने वाला ऑप्शन है यहाँ पर आ चुका है। अब देखो दोस्तों ये ध्यान से आप देखिए इसको करेंगे किस तरीके से। हम सिंपली इसको विल्डेक्स वाला जो हमारा ऑप्शन है थर्ड वाला ऑनलाइन पेमेंट विल्डेक्स पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका जो 106.90 पैसे आपका चार्ज लगने वाला है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर टिक करेंगे लास्ट वाले ऑप्शन, यहाँ पर एग्री करेंगे इसको और उसको करेंगे प्रोसीड टू पेमेंट। पेमेंट करने के बाद यहाँ पे कंफर्म पेमेंट पे क्लिक करेंगे। जो भी आपका कंफर्म पेमेंट रहेगा उसको करने के लिए हम तैयार हैं, तो ठीक है कंफर्म कर देते हैं। उसके बाद हमारा आगे मेथड आ जाएगा, आप जिस भी मेथड से करना चाहते हैं दोस्तों। सिंपली हम मैं सबसे आसान बताऊँ तो QR कोड के थ्रू करें। QR कोड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर भीम UPI सेलेक्ट करें, मैक पेमेंट पे क्लिक करें जैसे कि मैं कर रहा हूँ, और यहाँ पर सिंपली QR कोड आ जाएगा। आप किसी भी UPI ऐप के माध्यम से पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट करने के बाद ये ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट होगा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर आप कुछ करते हैं तो वो कैंसिल भी हो सकता है, आपका पैसा फंस जाएगा, तो आप कुछ ना करें। ऑटोमेटिकली देखिए यहाँ पर लिखा रहा है रिडायरेक्ट होगा ऑटोमेटिक, आप इसमें कुछ ना करें। तो थोड़ी देर इंतज़ार हम कर लेते हैं। इंतज़ार करने के बाद देखिए हमारा जो पेज है रिडायरेक्ट हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर हमारी जो पेमेंट की है रिसिप्ट आ चुकी है, जो भी हमारा पेमेंट हुआ है। इस पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर दोस्तों आधार ऑथेंटिकेशन वाला अगला हमारा आएगा ऑप्शन, यहाँ पर देखिए टिक करने के बाद आधार ऑथेंटिकेट पर करेंगे, कंटिन्यू पर नहीं ऑथेंटिकेट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद कंटिन्यू विद ई साइन पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर दोस्तों आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना होगा, और ऊपर चेक बॉक्स जो ऊपर दे रखा है इसको टिक करने के बाद गेट OTP करेंगे, यानी सेंड OTP पे। और फिर आपका जो आधार कार्ड में रजिस्टर मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP आएगा। OTP यहाँ पे डालने के बाद वेरीफाई OTP पे क्लिक करेंगे जिस तरीके से हो रहा है। अब देखिए वेरीफाई OTP पे क्लिक करने के बाद आपके आगे सक्सेसफुली एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है। अब देखिए यहाँ पर जो पासवर्ड रहेगा PDF का वो आपकी डेट ऑफ बर्थ रहेगी, तो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है आप यहाँ पर डाल लें विदाउट स्पेस विदाउट किसी ऑप्शन के। तो ठीक है दोस्तों, अब वो डालने के बाद देखिए जो भी आपकी एप्लीकेशन है ये हो चुकी है सक्सेसफुली सबमिट। अब आप इसको डाउनलोड करके रख लें, अगर प्रिंटर अवेलेबल है तो प्रिंट करके रख लें, क्योंकि इसमें एक्नॉलेजमेंट नंबर है। अगर कोई दिक्कत आती है तो हम इससे अपना पैन कार्ड करा सकते हैं। देन आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा होगा, इसको डाउनलोड कर सकते हैं, तो आप भी इस तरीके से डाउनलोड करके रख। दोस्तों आपके मन में डाउट होगा कि हमने फोटो सिग्नेचर तो अपलोड ही नहीं कराया है, तो हमारा फोटो सिग्नेचर किस तरीके से आएगा? तो दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूँ, जो भी आपका फोटो सिग्नेचर वाला हम स्कैन करके फोटो कॉपी करते हैं तो हमारे आगे एक एरर आ जाता है, उस चीज़ से आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपने इनकम टैक्स के द्वारा सीधा आपने इंस्टेंट पैन ले रखा है तो EKYC नहीं हुई है। अब दोस्तों आपको इस केस में EKYC के थ्रू ही पहले करना होगा, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों इसको अप्लाई करने के बाद अब आपको क्या करना है, आपकी ईमेल पे 3 दिन के अंदर यानी 72 घंटे के भीतर आपको एक मेल आएगी, उस मेल में आपका पैन कार्ड होगा। साथ ही दोस्तों 15 से 20 दिनों में आपके घर पे आपके एड्रेस पे भी ये पैन कार्ड ओरिजिनल जो है वो डिस्पैच कर दिया जाएगा, आपके एड्रेस पे भेज दिया जाएगा पोस्ट ऑफिस के द्वारा। तो दोस्तों आपको जो थोड़ा इंतज़ार करना है, 10-15 दिन में आपके घर आ जाएगा, 3 दिन में आपकी ईमेल पे आ जाएगा, यानी 72 घंटे में आपकी ईमेल पे आ जाएगा। अगर आप कहीं यूज़ करना चाहते हैं लगाना चाहते हो तो ईमेल से अपनी डाउनलोड करके डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों आपको बता दूँ, जैसे मैंने बताया कि आपका जो पैन कार्ड की PDF रहेगी उसका पासवर्ड आपकी डेट ऑफ बर्थ ही रहेगी। तो ठीक है दोस्तों, देखिए आपके समझ में आ गया होगा मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों, और वीडियो अच्छी लगी और समझ में आ गया हो ना तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों, और वीडियो कमेंट सकते हो ना वीडियो कैसी थी, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए दोस्तों अब चलता हूँ, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने आसपास साफ सुथरा रखिए। बाय बाय, जय हिंद।